तेज खबर 24 में इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है रीवा जिले के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र से, जहां बैकुंठपुर पुलिस ने नगर के वार्ड क्रमांक 5 में एक घर में दबिश देकर ब्राउन शुगर पकड़ा है। पुलिस को मौके पर लगभग 2.25 लाख रुपए कैश सहित एक युवती को भी गिरफ्तार किया है। मामले में पिता और पुत्र मौके से फरार हो गए हैं। पुलिस ने पकड़ी गई युवती को न्यायालय में पेश कर एक दिन की पुलिस रिमांड लिया है। इस पूरी कार्रवाई के संबंध में अब तक जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक पुलिस महानिरीक्षक डॉक्टर महेंद्र सिंह सिकरवार को मुखबिर से सूचना मिली थी कि बैकुंठपुर कस्बे में एक परिवार द्वारा घर के अंदर से ब्राउन शुगर की बिक्री की जा रही है, जिसके बाद डीआईजी साकेत पांडे, पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह ने एएसपी विवेक लाल, एसडीओपी सिरमौर उमेश प्रजापति के नेतृत्व में बैकुंठपुर थाना प्रभारी विजय सिंह बघेल की एक टीम गठित की। टीम द्वारा आज वार्ड क्रमांक 5 निवासी अशोक तिवारी के घर में दबिश दी गई, जहां मौके से पुलिस को देखते ही अशोक तिवारी सहित उनका पुत्र फरार हो गया, जबकि ब्राउन शुगर की बिक्री कर रही उनकी बेटी सोनम तिवारी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसकी निशानदेही पर ली गई तलाशी के दौरान तकरीबन 146 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद की गई है। बताया गया है कि इसका बाजारू मूल्य 4,39,590 रुपए है। वहीं पुलिस ने तलाशी के दौरान ब्राउन शुगर बेचने के पैसे को भी मौके से बरामद किया है। बताया गया है कि तकरीबन 2.25 लाख रुपए चिल्लर बरामद हुए हैं। पुलिस ने पैसे और ब्राउन शुगर को जब्त कर लिया है, साथ ही युवती को भी गिरफ्तार कर लिया है। हम आपको बता दें, यह बैकुंठपुर थाना पुलिस की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। नशे के विरुद्ध आईजी डॉक्टर महेंद्र सिंह सिकरवार द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत बैकुंठपुर पुलिस को यह एक बड़ी सफलता मिली है। मामले में एक युवती को गिरफ्तार किया गया है, जिसे न्यायालय में पेश कर एक दिन की पुलिस रिमांड लिया गया है। बताया गया है कि पुलिस ने मौके से 4,39,990 रुपए कीमती ब्राउन शुगर जब्त किया है, साथ ही तकरीबन 2.25 लाख रुपए कैश भी बरामद किया है। इस बड़ी कार्रवाई के बाद इलाके में सनाका खिंच गया है। पुलिस मौके से फरार हुए पिता और पुत्र की सरगर्मी से तलाश कर रही है।